नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सूरत के पास बड़ोदरा जिले में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। वहीं इन दिनों ऐसी खबरों का आना मानो आम हो चुका है। बताते हैं कि यहां किसी अज्ञात शख्स ने फिश प्लेट और चाबी खोलकर अप ट्रैक पर रख दी। इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट की मैन सुभाष कुमार को अलर्ट किया। इसके बाद ट्रैप की जांच की गई और पाया गया कि किसी ने रेल को डिरेल करने के लिए यह साजिश रची थी। जानकारी मिलते ही ट्रेन की आवाजाही रोकी गई और ट्रैक को दुरुस्त किया गया, परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। घटना सुबह 5:30 बजे की है, जब अलर्ट की मैन सुभाष कुमार को डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट किम के माध्यम से सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अप ट्रैक से फिश प्लेट और कुछ चाबी खोलकर अप ट्रैक पर रख दी है। जानकारी मिलते ही सुभाष कुमार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को चेताया और ट्रेन की आवाजाही रोकने का अनुरोध किया। ट्रेन संख्या 12910 उस समय आ रही थी, उसे हरी झंडी दिखाकर रोक दिया गया। इसके बाद ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। वहीं बता दें कि ट्रेन को KSB मुख्य लाइन पर रोका गया। बताया जा रहा है कि बाद में इस जानकारी को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF और इंजीनियरिंग कंट्रोल ऑफिस CTO को तुरंत भेजा गया। वहीं बता दें कि की मैन ने दोबारा जांच कर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को सूचित किया कि 5:40 पर ट्रेक ट्रेन के लिए सुरक्षित है। इसके बाद दोबारा जांचने और निगरानी रखने के बाद ट्रेन को 5:56 पर रवाना किया गया। इस पूरी घटना के दौरान ट्रेन संख्या 12910 को 23 मिनट और ट्रेन संख्या 12954 को 5 मिनट की देरी भी हुई।